हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप चॉकलेट केक घर पे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से डेकोरेशन है। कोई भी इसको डेकोरेट कर सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, इसका रेसिपी मैंने शेयर किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी इसको 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। आप इसको 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं या 4 लेयर्स में भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर के थोड़े हार्ड पार्ट होते हैं उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स कट कर लिए हैं। अभी आप जिस पे केक रखेंगे, कोई बेस रहेगा फिर प्लेट वगैरह, उस पर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा लें, जिससे हमारा केक वहीं पे स्टिक रहे, आइसिंग करते टाइम पे वो हिले ना। अभी केक का लास्ट लेयर रख देंगे, इसको पानी से सोक कर लेंगे। नॉर्मल पानी ही है, कोई शुगर सिरप नहीं है यहाँ पर। तो अभी सोक करने के बाद यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है, ये लगा देंगे। अगर आपको ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कम पसंद है तो यहाँ पे कम यूज़ कीजिए। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे चॉकलेट गनाश ले लेंगे। आप यहाँ पे चोको चिप्स भी ले सकते हैं, या फिर जो हर्षी वगैरह के चॉकलेट सिरप आते हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी केक का जो हमने फर्स्ट लेयर कट करके रखा था उसको हम सेकेंड लेयर में रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे। आप कैसे भी लेयर्स रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने से केक की थोड़ी सी हाइट आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर पे रखा है। सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, सोक करेंगे, व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे और फिर बाद में चॉकलेट गनाश लगा देंगे। आप यहाँ पे चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट गनाश लगाने के बाद, चेरीज वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस पे थर्ड लेयर रख देंगे, इसको भी सोक कर लेंगे। और इतना क्रीम लगाने के बाद आप कभी भी इसको फ्रीज में मत रखिए, नहीं तो केक जो आपका बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मॉइस्चर दिया है, इसको जो पानी वगैरह इसकी वजह से बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो आप इसको क्रम्ब कोटिंग करके या फिर फाइनल कोटिंग करके ही फ्रीज में रखिए। डायरेक्ट बस फिलिंग करके अंदर जो हमने फ्लेवर वगैरह देकर उतना करके आप इसको कभी भी फ्रीज में मत रखिए, नहीं तो केक आपका पूरा हार्ड हो जाएगा। तो अभी केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर लें, आप क्रम्ब कोटिंग करके इसको फ्रीज में रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप फाइनल कोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको जमे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक पे क्रीम लगा लिया है। अभी साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रैपर लिया, आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं या फिर जैसे डिज़ाइन चाहे आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के लिए साइड में थोड़ी सी आप ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो जो केक का बेस है वो दिखता नहीं है। यहाँ पे मैं इसको चॉकलेट से कवर करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत दिख जाता है तो वो चलता है। तो अभी मैं इसको फ्रीज में रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखा है, ये सेट हो गया है। और साइड से मैंने जो व्हिप क्रीम है वो भी क्लीन कर लिए थे जो लगे थे। अभी इसके ऊपर चॉकलेट गनाश लगा देंगे। तो चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डालकर इसको हल्के हाथों से एकदम चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। बार बार चॉकलेट लगाने की इस पर गरज नहीं है, बस एक बार चॉकलेट गिरा दीजिए, बाद में जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा अपने आप। आप इसको पूरा भी कवर कर सकते हैं और स्टेज पे आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। सेट करने के बाद बाकी का डेकोरेशन आप बाद में कर सकते हैं, जिससे चॉकलेट भी थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने साइड से चॉकलेट भी क्लीन कर लिया है जो एक्स्ट्रा थे, और साइड से थोड़े से डिज़ाइन बनाए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, नोजल वगैरह। तो ये मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बनाया है, उससे डेकोरेट कर रही हूँ। आप किसी भी चॉकलेट से या फिर फ्रूट वगैरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप रेडीमेड चॉकलेट भी ले सकते हैं, डेयरी मिल्क, किटकैट, जेम्स वगैरह, किसी भी चॉकलेट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चॉकलेट लगाने के बाद मैं पीछे साइड में थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ, जिससे चॉकलेट जो है पीछे के साइड गिरे ना। आप बिना व्हिप्ड क्रीम के भी इसको लगा सकते हैं चॉकलेट को। तो आपको ये सिंपल सा डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।